जैन दोस्तों, मैं आपका दोस्त स्नैक लवर अनिरुद्ध सिंह जडेजा और यहाँ पे आज साजना सर जो तलाजा से मेरे गांव से तकरीबन 17-18 या 20 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ पे एक सांप का रेस्क्यू करने के लिए आया हूँ। और सांप यहाँ नीचे एकदम खुला ही बैठा है, बेबी कोबरा स्नैक है। एकदम आराम से ही बैठा है, बेबी स्पेक्टिकल। देखिए इसकी जो पीछे की जो पैटर्न होती है बेहद प्यारी होती है। ये सांप जितने छोटे होते हैं उतने ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ये अटैक तुरंत कर देते हैं। दोस्तों, और ये कोबरा सांप जहरीले होते हैं, अगर काट लें तो मौत पक्की है, लेकिन बेवजह किसी को ये काटते नहीं है। अभी तो दोस्तों ये थोड़ा सा बच्चा है, तो इसके दांत इतने बड़े नहीं हो गए कि ये अपनी मोटी चामड़ी को बेच सके, लेकिन ऐसा कोई परीक्षण करने की प्रैक्टिस ना करे, क्योंकि जो लचीली चमड़ी होती है उस पे वो काट ले तो भी आपको एंटीवेनम और अस्पताल की सारवार फरजियात हो जाएगी। और कोबरा सांप या कोई भी जहरीला सांप काट ले तो आपको क्या करना है वो हमेशा आपको याद होना चाहिए। ये जहरीले सांपों की कभी भी बाइट हो तो कभी मुंह में कोई भी चीज़ खाने पीनी नहीं है, और बहुत टाइट तो बांधना ही नहीं है, सिर्फ गीला गीली पट्टी अब लगा दो तो भी चलेगा। हमारे यहाँ तो क्या अस्पताल तो इतने दूर होते नहीं कि आपकी मौत हो जाए। आपका जो सिविल सरकारी हॉस्पिटल होते वहाँ पे इसमें इसकी ट्रीटमेंट होती हो तो आप वहीं दाखिल हो जाए, या फिर किसी प्राइवेट अस्पताल में, लेकिन अंधश्रद्धा में ना रहे, क्योंकि जहर कोई भी मंत्र तंत्र से उतर नहीं सकता। वैसे तो अभी ये थोड़ा बहुत डर रहा है। और ऐसे छोटे कोबरा सांपों के साथ खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये बेहद गुस्सेल होते हैं, अगर एक बार इसकी दिमाग चटक गया तो कितनी बार काट ले वो भी नहीं कह सकते। लेकिन मुझे इसकी जो पीछे की जो स्केल होती है वो बेहद पसंद है, लेकिन ये सांप आराम से बैठ नहीं रहा है अभी। दोस्तों तो ये थक गया ऐसा लग रहा है,
गुस्सा नहीं कर रहा है, डरा हुआ है। तो दोस्तों तो अभी से पैकिंग कर लेते, अब जाके अपने मूड में थोड़ा सा बैठा है शांति से। ओके दोस्तों, तो इस छोटे से बेबी स्पेक्टेकल कोबरा का रेस्क्यू भी सांजनासर गांव से हो चुका है। तो इसे कहीं हम अच्छी जगह पर रिलीज कर देंगे। तो आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, बाय।